नमस्कार आदि साथियों, माधवी शुक्ला के साथ लर्न अहेड एकेडमी में आपका स्वागत है। ये करेंट अफेयर की क्लास है 29 सितंबर और साथ ही साथ हमारा घटना चक्र का रिवीजन चल रहा है, ठीक है, अगस्त माह का। तो हम करेंगे पहले 29 सितंबर की करंट अफेयर, उसके बाद हम घटना चक्र का रिवीजन करेंगे। तो उससे पहले आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बाकी सभी लाइक एंड शेयर करते रहिए ताकि आपको टाइम टू टाइम क्लासेस मिलती रहें। आज का क्वेश्चन है सबसे पहले कि हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया। हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया, 25 सितंबर को, 27 सितंबर को, 26 सितंबर को या फिर 28 सितंबर को। तो ये मनाया गया है हमारा कब, 27 सितंबर को मनाया गया है, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता की है। क्या है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता की है, जयपुर में, चेन्नई में, अमृतसर या फिर भोपाल। तो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये इन्होंने की है अमृतसर में, कहा कि ये अमृतसर। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर है अगला हमारा, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश और किस राज्य के कुछ हिस्सों में FSPA, ठीक है, अब सपा 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। क्या है, FSPA 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। असम में, नागालैंड में, मणिपुर या फिर मध्य प्रदेश। तो ये कहाँ बढ़ाया गया है, ये बढ़ाया गया है नागालैंड में, ठीक है। यहाँ पे वी ऑप्शन सही होता है, अरुणाचल प्रदेश और किस राज्य के कुछ हिस्सों में, तो नागालैंड के राज्य के कुछ हिस्सों में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, हाल ही में डेविड मैकल्लम का निधन हुआ वह कौन था। हाल ही में डेविड मैकल्लम का निधन हुआ वह कौन था, गायक, पत्रकार, अभिनेता। तो ये कौन थे, ये अभिनेता थे। कौन, डेविड मैकल्लम कौन थे, ये अभिनेता थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में एशियाई खेलों में भारतीय निशानेबाज सिफ्त कौर समरा ने कौन सा पदक जीता है। क्या है, हाल ही में एशियाई खेलों में भारतीय निशानेबाज सिफ्त कौर समरा ने कौन सा पदक जीता है, कांस्य, स्वर्ण, रजत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा जीता है इन्होंने, स्वर्ण पदक जीता, बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। उसके बाद है हमारा, हाल ही में किस देश ने टी ट्वेंटी आई में सर्वोच्च स्कोर कार्ड बनाया है, नेपाल, भारत या फिर ऑस्ट्रेलिया या श्रीलंका। तो ये किसने बनाया है, ये नेपाल ने बनाया। ऑप्शन सी हमारा होगा, T20I में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड किसने बनाया है, नेपाल ने बनाया है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवाओं के लिए नई योजना घोषणा की है, पंजाब राज्य ने, राजस्थान ने, बिहार ने या फिर मध्य प्रदेश। तो ये बिहार राज्य ने अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवाओं के लिए नई योजना लॉन्च की है, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट है, हाल ही में आस्कर 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया है। हाल ही में आस्कर 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया है, जवान 2018, एवरीवन एज हीरो या फिर द कश्मीर फाइल या गदर 2। तो किसे किया गया है, 2018 एवरीवन एज हीरो को, ठीक है, 2018 एवरीवन एज हीरो को किया गया है। फिर नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस देश की मुद्रा में सबसे अच्छी प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बनी है। हाल ही में किस देश की मुद्रा दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बनी है, चीन है, अमेरिका है, अफगानिस्तान है या फिर भारत है। तो कौन है बताइए इसमें, अफगानिस्तान जो है ये सबसे अच्छी प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बनी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला वित्त अधिकारियों यानी शक्ति दीदियों के नाम दिया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला वित्त अधिकारियों शक्ति दीदियों का नाम दिया है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो किसने दिया है, ये दिया है उत्तर प्रदेश ने, ठीक है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ABD ने बाजार समाधान के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है। हाल ही में ABD ने बाजार समाधान के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है, संजय पांडे को, अतुल भार्गव को, भार्गव दास गुप्ता को या इनमें से कोई नहीं। तो किसे किया है, ये भार्गव दास गुप्ता को इन्होंने नियुक्त किया है, ठीक है, ABD ने, ठीक है। फिर हमारा, हाल ही में किसने
वाइब्रेट गुजरात की 20 वर्षगांठ की अध्यक्षता की है। ठीक है, हाल ही में किसने वाइब्रेट गुजरात की 20वीं वर्षगांठ की अध्यक्षता की है? अमित शाह ने की है, नरेंद्र मोदी जी ने की है, भूपेंद्र पटेल ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो किसने की है? ये हमारे की है, नरेंद्र मोदी जी ने की है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ बैग्स एंड बिगल्स का विमोचन हुआ है? हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ बैग्स एंड बिगल्स का विमोचन हुआ है? करणपुरी है, पल्लवी अय्यर है, विजया राघवन है, या इनमें से कोई नहीं? तो किसके द्वारा हुआ है बताइए, इसका आंसर क्या हो गया? विजया राघवन। किसकी वजह से? विजया राघवन की तरह हुआ है। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में कौन सी कंपनी भारत में भूकंप चेतावनी सेवा शुरू करने जा रही है? मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, या इनमें से कोई नहीं? मतलब क्या है कि कौन सी कंपनी भारत में भूकंप चेतावनी सेवा शुरू करने जा रही है? तो ये है हमारी गूगल। क्या है? बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में RBI के डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 1 साल बढ़ाया गया है? अमित खरे, पुनीत सिंह, एम राजेश्वर राव, या इनमें से कोई नहीं? तो किसने बढ़ाया? एम राजेश्वर राव ने बढ़ाया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारी, यहाँ से हमारा घटना चक्र रिवीजन चलेगा, जो कि हम अगस्त माह का कर रहे हैं, इसके बाद हम सितंबर माह का भी करेंगे, और साथ ही साथ इसमें कुछ पुराना भी करंट अफेयर जुड़ा हुआ है, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हम आज यहाँ से शुरू करेंगे कि द्वितीय अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन कहाँ किया गया है? क्या है? द्वितीय अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, इस समागम का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री। तो सभी को पता है, ठीक है, फिल्मों को अनधिकृत रिकॉर्डिंग और प्रदर्शनी पायरेसी पर रोक लगाने के लिए कौन सा विधेयक संसद पारित किया गया है? तो कौन सा किया गया है? चलचित्र संशोधन विधेयक 2023 पारित किया। ठीक है, फिल्मों की अनधिकृत रिकॉर्डिंग और प्रदर्शनी यानी पायरेसी पर रोक लगाने के लिए कौन सा विधेयक? तो चलचित्र संशोधन विधेयक यानी 2023 पारित किया गया है। ठीक है, फिर है सिनेमेटोग्राफ। क्या है? सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 किस अधिनियम में संशोधन करता है? चलचित्र अधिनियम 1952 में। ठीक है, याद रखिएगा, सिनेमेटोग्राफ विधेयक 2023 किस अधिनियम में संशोधन करता है? चलचित्र अधिनियम 1952 में। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस राज्य के लिए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है? तो इन्होंने असम के लिए किया है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, लोकसभा अध्यक्ष अगर पूछे जाएंगे तो कौन है? ओम बिरला है। ओम बिरला ने किस राज्य के लिए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है? असम राज्य के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा है, किस राज्य में सरकारी योजनाओं पर लगातार निगरानी के लिए मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और डैशबोर्ड का उद्घाटन किया गया है? उत्तर प्रदेश के लिए। ठीक है, कौन सा, किस राज्य में सरकारी योजनाओं पर लगातार निगरानी के लिए मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और डैशबोर्ड का उद्घाटन किया गया है? उत्तर प्रदेश। योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन कहाँ से किया है? लखनऊ से किया है। ठीक है, फिर है मासी यानी कि MASIA का विकास किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा। इस ऐप का मुख्य कार्य क्या होगा? बाल देखभाल संस्थानों की निगरानी करना। ठीक है, क्या होगा इस ऐप का, मासी ऐप का सबसे मुख्य कार्य क्या होगा? बाल देखभाल संस्थानों CCI की निगरानी करना होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा, मासी का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, मासी का पूर्ण मतलब नाम क्या है पूरा? तो इनका पूरा नाम है मोनिटोरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन। ठीक है, क्या है? मोनिटोरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन, उन्नत और कौशल आधारित शिक्षा अवसरों का मार्ग प्रस्त करने के लिए मुंबई विश्वविद्यालय ने कितने अमेरिकी विश्वविद्यालयों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो कितने पे किया है इन्होंने? इन्होंने 2 पे किया है। ठीक है, फिर इन अमेरिकी विश्वविद्यालयों के नाम क्या हैं? तो इलिनोइस हैं विश्वविद्यालय और सेंट लुइस विश्वविद्यालय, जो अमेरिका में जो 2 विश्वविद्यालय हैं जिनके ज्ञापन पर समझौता ज्ञापन हुआ है, हस्ताक्षर किए गए हैं, तो उनके क्या क्या नाम हैं? तो ये पहला है इलिनोइस विश्वविद्यालय और सेंट लुइस विश्वविद्यालय, 2 हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कहाँ किए गए हैं? तो अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 नई दिल्ली में। ठीक है, कहाँ किए गए हैं? नई दिल्ली में किए गए हैं। भारतीय सेना के किन रैंक वाले अधिकारियों के लिए एक समान वर्दी लागू की गई है? तो किसके लिए क्या की गई है? ये ब्रिगेडियर और उसके ऊपर
ऊपर से की है ठीक, उससे ऊपर की गई भारतीय सेना के किन रैंक वाले अधिकारियों के लिए एक समान वर्दी लागू की गई है, तो ये की गई ब्रिगेडियर और उससे ऊपर ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा, नई दिल्ली में, युगे युगीन भारत ठीक है। ऑपरेशन मुस्कान नौ मतलब ऑपरेशन मुस्कान 9 किस राज्य पुलिस द्वारा चलाया गया है, ये ऑपरेशन तो तेलंगाना पुलिस के द्वारा ठीक है। ऑपरेशन मुस्कान 9 यह ऑपरेशन किससे संबंधित है, लाभ बताओ बच्चों की खोज करने के लिए, किसे खोजने से ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा भारतीय नौसेना, नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने आधिकारिक तौर पर किस देश का दौरा किया है, तो ये ओमान देश का किया है। इस यात्रा में कौन सा भारतीय नौसेना जहाज पोर्ट सुल्तान कबूस मस्कट पहुंचा है, तो ये पहुंचा INS विशाखापत्तनम ठीक है। किस मंत्रालय ने ULLAS का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, शिक्षा मंत्रालय ने किया है ठीक है। ULLAS का अर्थ क्या है, तो है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, क्या है ULLAS का क्या ना अर्थ होता है, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी ठीक है, ये होता है इसका। फिर एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेष कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया है। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है ठीक है। उन्मेष का आयोजन कहाँ हुआ है, भोपाल मध्य प्रदेश, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इस अवसर पर आयोजित उत्कर्ष क्या है, लोक और जनजातीय कला प्रदर्शन है, क्या है लोक और जनजातीय कला प्रदर्शन है। SII पोर्टल किसके द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है, तो ये 3 अगस्त 2023 को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एवं जयशंकर प्रसाद के द्वारा लॉन्च किया गया है ठीक है। कौन, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एवं जयशंकर प्रसाद के द्वारा किया गया है ठीक है। SII से क्या तात्पर्य है, स्टडी इन इंडिया, क्या है स्टडी इन इंडिया। राजमार्ग यात्रा ऐप का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कब अस्तित्व में आया, 1995 में आया, कब अस्तित्व में आया है, ये 1995 में आया है। नहीं यानी NHAI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, संतोष कुमार यादव है, कौन है संतोष कुमार यादव है। वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 संसद में कब पारित किया गया, 2 अगस्त 2023 को पारित किया गया है ठीक है। हाल ही में कितने उत्पादों को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्राप्त हुआ है, 7 उत्पादों को प्राप्त हुआ है। इनमें से सर्वाधिक उत्पाद किस राज्य के हैं, तो राजस्थान के, कितने GI टैग है, 4 GI टैग है ठीक है। राजस्थान के किन उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया है, तो नाम देख लिया, उदयपुर कोफ्तकारी धातु यानी जो शिल्प धातु है, बीकानेर के काशी दाकरी शिल्प को, जोधपुर बंदोज शिल्प तथा बीकानेर उस्ता कला शिल्प को GI टैग प्राप्त हुआ है। गोवा के किस उत्पाद को GI टैग प्रदान किया गया है, गोवा मानकुराद आम को, किसे मानकुराद आम को प्राप्त है GI टैग। GI टैग प्राप्त चिलेश्वर धातु शिल्प किस राज्य का उत्पाद है, उत्तर प्रदेश का है ठीक है। किस न्यायालय ने बिहार की जाति आधारित जनगणना से रोक हटाई है, पटना उच्च न्यायालय ने हटाई है ठीक है। अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप किस राज्य ने शुरू किया है, असम राज्य ने शुरू किया है। प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है, ये रखी गई थूथूकुड़ी तमिलनाडु में, कहाँ रखी गई, थूथूकुड़ी तमिलनाडु में रखी गई है। इसकी आधारशिला किसके द्वारा रखी गई है, तो ये रखी गई है हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा रखी गई है। इसकी आधारशिला किसके द्वारा रखी गई है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा रखी गई है। इस पुरातात्विक स्थल को 5 प्रतिष्ठित स्थलों में से एक के रूप में विकसित करने की घोषणा किस बजट में की गई थी, केंद्रीय बजट 2020 और 2021 के रूप में, किसके ठीक है, किसकी आधारशिला कहाँ रखी गई थी, थूथूकुड़ी तमिलनाडु में। इसकी आधारशिला किसके द्वारा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा रखी गई थी। फिर है इस पुरातात्विक स्थल को 5 प्रतिष्ठित स्थानों में से एक के रूप में विकसित करने की घोषणा की किस बजट में की गई, केंद्रीय बजट 2020-21 में की गई है। फिर है मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किसने देश भर के 35 प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए, MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, भारतीय मानक ब्यूरो ने, किसने भारतीय मानक ब्यूरो ने किया है। भारत के पहले एयरपोर्ट ड्राइव थ्रू रेस्तरा का अनावरण कहाँ किया गया है, मुंबई महाराष्ट्र में किया गया है। इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई है, मैकडॉनल्ड्स इंडिया पश्चिम और दक्षिण ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय परिदेश करेंट नोट्स ठीक है। वैश्विक राजनीतिक सामाजिक घटनाओं तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के
समाचारों का लेखा जोखा हम पढ़ेंगे आज यहाँ से। तो भारत ने हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र को कितने मिलियन डॉलर का दान किया? 1 मिलियन, ठीक है। यूरोपीय संघ द्वारा अफगानिस्तान के लिए कितने लाख यूरो को मानवीय सहायता की घोषणा की गई है? 76 लाख यूरो की। कितने? 76 लाख यूरो की गई है। यह सहायता किस कार्य हेतु प्रदान की गई है? खाद्य असुरक्षा एवं आर्थिक संकट से निपटने तथा असंचित भूमि में सिंचाई बहाल करने के लिए की गई है। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1993 मास्ट्रिच्ट संधि द्वारा हुई थी, ठीक है। फिर है सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो ये किया है जापान पे। किस पे किया है? जापान पे। किन दो देशों के बीच क्या है? किन दो देशों के बीच तलिस्मान सर्वर संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है? ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। किसके द्वारा? ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से किया गया है। तीसरा, भारत लाओस विदेश कार्यालय परामर्श कहाँ आयोजित किया गया है? ये किया गया है बिने तियाने लाओस में। कहाँ किया गया है? बिने तियाने लाओस में किया गया है। आठवीं, भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा नीति वार्ता कहाँ आयोजित की गई है? कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया में की गई। कहाँ की गई? कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया में की गई है। रूस ने कितने अफ्रीकी देशों को मुफ्त अनाज देने की घोषणा की है? तो 6 को की है, ठीक है। ये 6 अफ्रीकी देश कौन कौन से हैं? तो ये हैं बुकिना फासो, जिम्बाब्वे, माली, मध्य अफ्रीका गणराज्य, सोमालिया और इरिट्रिया हैं। विश्व का सबसे बड़ा परमाफ्रास्ट वटागाई का क्रेटर किस देश में अवस्थित है? रूस में अवस्थित है, ठीक है, रूस में है ये। गर्मी के कारण पिघल रहा परमाफ्रास्ट वटागाई का क्रेटर लगभग कितना लंबा है? 1 किलोमीटर का लंबा है। 27 जुलाई 2023 को किस देश में राष्ट्रव्यापी कर्फ्यू की घोषणा की गई? तो नाइजीरिया में, नाइजर में, ठीक है। 25 जुलाई 2023 को किस देश ने प्रकृति के बदले ऋण की अदला बदली की पहल की शुरुआत की है? गैवान ने की है, ठीक है। हाल ही में किस देश ने सैनिक तख्ता पलट हुआ है? तो नाइजर में हुआ। किस में? सैनिक तख्ता पलट कहाँ हुआ? नाइजर में हुआ है। राजस्थान माध्यमिक शहर विकास क्षेत्र परियोजना के अतिरिक्त वित्त पोषण के लिए एशियाई विकास बैंक से कितनी ऋण राशि की समझौता हुआ है? तो 200 मिलियन डॉलर का। कितना? 200 मिलियन डॉलर का। इस ऋण समझौते पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया है? बुमलुन मंग बु अल नाम और ताके उन कोनिशी के द्वारा हुआ है। इस राज्य का उपयोग किसमें किया जाएगा? जल आपूर्ति और स्वच्छता प्रणालियों के विस्तार में किया जाएगा। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? निशा विश्वाल को। किसे किया गया है? निशा विश्वाल को किया गया है। ब्रिक्स शहरीकरण फोरम की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ये की गई है डरबन दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। कहाँ की गई है? डरबन दक्षिण अफ्रीका में। किन देशों ने जैव प्रौद्योगिकी और कृषि क्षेत्र में युवा शोधकर्ता और स्टार्टअप के द्विपक्षीय आदान प्रदान करने के लिए समझौता किया है? तो भारत और अर्जेंटीना ने किया है। किसने किया? भारत अर्जेंटीना ने किया है। अमेरिकी न्याय विभाग ने किस नदी में फ्लोटिंग बैरियर की स्थापना को लेकर टेक्सास राज्य के गवर्नर पर मुकदमा दर्ज किया है? तो ये किया है रियो ग्रांडे नदी ने। किसने? रियो ग्रांडे नदी ने। रियो ग्रांडे नदी किन दो देशों के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है? अमेरिका मैक्सिको। क्या है? अमेरिका मैक्सिको। किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह को प्रतिबंधित कर दिया है? रूस ने कर दिया है, ठीक है, प्रतिबंधित कर दिया है। किस देश ने ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? अल्जीरिया ने किया है। ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। ब्रिक्स में कौन से देश शामिल हैं? ब्राजील, रूस, भारत, चीन एवं दक्षिण अफ्रीका शामिल है, ठीक है, 5 है। ब्रिक्स का पहला शिखर, देखिए यहाँ से बी से देख लीजिए, भारत, रूस और आई से क्या हो जाएगा हमारा, बताइए, चीन और ये हो जाएगा दक्षिण साउथ अफ्रीका, या आई से क्या हो जाएगा हमारा, ब्राजील, ठीक है, का पहला शिखर सम्मेलन, सॉरी, ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और ये दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। फिर ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? वर्ष 2009 में हुआ था। ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है? संघई चीन में है। ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है? संघई चीन में है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC का अध्यक्ष किसे चुना गया है? जिम स्कोया को चुना गया। किसे? जिम स्कोया को चुना गया है, यूनाइटेड किंगडम को। IPCC की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1988 में की गई थी। भारत ने किस देश के साथ
सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ये किया है जापान पे। किसने किया है? जापान पे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार किसने जीता है? मोक्षा राय भारती मूल ने जीता है। किसने जीता? मोक्षा राय भारती मूल ने जीता है। फिर मोक्षा राय की आयु कितनी है? 7 वर्ष की है। टाटा समूह ने कहाँ एक बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की है? यूनाइटेड किंगडम में की है। किस देश ने किंग चार्ल्स तृतीय के नाम पर पहला पासपोर्ट जारी किया है? ब्रिटेन का किया है। इस पासपोर्ट का शीर्षक क्या है? हिज मजेस्ट्री। क्या है? हिज मजेस्ट्री है। कितने भारतीय छात्रों ने ग्लोबल स्टूडेंट प्राइज 2023 के लिए 50 छात्रों की अल्प सूची की जगह बनाई है? 5। ठीक है, कितने भारतीय छात्रों ने? 5। फिर है हमारा नेक्स्ट, इस पुरस्कार के लिए कितने देशों के छात्रों ने आवेदन किया था? 122 ने किया था। इसके लिए कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए थे? 3,851 आवेदन प्राप्त हुए थे। इस पुरस्कार की विजेता राशि कितनी थी? ये थी $1,00,000। कितनी थी? $1,00,000 थी। ठीक है, भारत ने किस श्रेणी के तहत द्विवार्षिक यानी 2024-25 के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के चुनावों के लिए उम्मीदवार प्रस्तुत किया है? तो श्रेणी बी के लिए। ठीक है, IMO की श्रेणी बी में कितने देश उम्मीदवार हैं? 10 हैं। भारत IMO का सदस्य कब बना था? वर्ष 1959 में। ठीक है, भारत और किस देश ने शांति स्थापना के लिए अकादमिक सहयोग हेतु एक विशिष्ट समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? अर्जेंटीना ने किया है। किस देश ने 5 महीने के बाद लोगों को फेसबुक टेलीग्राम टिकटॉक और यूट्यूब की अनुमति प्रदान की है? इथियोपिया ने की है। किसने? इथियोपिया ने की है। इन सभी सोशल मीडिया पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? 9 फरवरी 2023 को लगाया गया था। यह प्रतिबंध क्यों लगाया गया था? ऑर्थोडॉक्स चर्च और सरकार के बीच तनाव के कारण लगा दिया गया था। ऑस्ट्रेलिया के किस राज्य ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से अपना नाम वापस ले लिया है? तो ये विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, 18 जुलाई को लिया है इन्होंने वापस नाम। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पहली औपचारिक चर्चा कहाँ आयोजित की गई है? ये की गई न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ की गई? न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई है। भारत और किस दक्षिणी एशियाई राष्ट्र ने आर्थिक और वित्तीय वार्ता EFDA शुरू करने की घोषणा की है? इंडोनेशिया ने की है। ठीक है, भारत इंडोनेशिया आर्थिक और वित्तीय संवाद EFDA किस G20 की बैठक के मौके पर लॉन्च किया गया था? गुजरात में वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के द्वारा गवर्नरों की बैठक थी। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते में औपचारिक रूप से शामिल होने वाले यूरोपीय देश का नाम बताइए? यूनाइटेड किंगडम नाम है। यूनाइटेड किंगडम से व्यापार सचिव कौन है? केमी वेडेनॉक है। कौन है? केमी वेडेनॉक है। केमी वेडेनॉक ने किस देश में इस पर हस्ताक्षर किए हैं? न्यूजीलैंड ने किए हैं। किसने किए? न्यूजीलैंड ने किए हैं। CPTPP 11 देश के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता FTA है। ऑस्ट्रेलिया ब्रुनेई कनाडा चिली जापान मलेशिया मेक्सिको न्यूजीलैंड पेरू सिंगापुर और वियतनाम के मध्य है। ठीक है, अबू धाबी में किस IIT के पहले परिसर की स्थापना हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? IIT दिल्ली के मध्य। यह समझौता ज्ञापन किनके मध्य हुआ है? शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार अबू धाबी शिक्षा एवं ज्ञान विभाग तथा IIT दिल्ली के मध्य हुआ है। अबू धाबी किस देश में स्थित है? संयुक्त अरब अमीरात में है। भारत ने एकीकृत भुगतान इंटरफेस को संयुक्त अरब अमीरात के किस प्लेटफॉर्म से जोड़ने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? क्या हो जाएगा? इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म IPP। ठीक है, भारत ने किस देश के स्थानीय मुद्रा दिरहम एवं भारतीय मुद्रा के रुपया में व्यापार करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? संयुक्त अरब अमीरात में। भारत और मंगोलिया की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ किया गया? ये किया गया है उलान बटोर मंगोलिया में। इस अभ्यास का क्या नाम है? नेमोडिक एलिफेंट 2023। भारत ने किस देश के साथ आर्थिक और वित्तीय संवाद शुरू करने की घोषणा की है? इंडोनेशिया ने की है। 12वीं मेकांग गंगा सहयोग बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी 16 जुलाई 2023 को भारतीय विदेश मंत्री एवं एस जयशंकर एवं लाओ PDR के विदेश मंत्री सेलुमक्से कोमोसिथ संयुक्त रूप से की थी। यह बैठक कहाँ संपन्न हुई थी? बैंकॉक थाईलैंड में हुई थी। मैंकांग गंगा सहयोग की स्थापना कब हुई थी? नवंबर 2000 में हुई है। ठीक है, किन देशों ने मैंकांग गंगा सहयोग व्यापार परिषद गठित करने का निर्णय लिया है?
भारत थाईलैंड ने लिया है, म्यांमार, कंबोडिया, लाओ, पीडीआर और वियतनाम। यह परिषद किसे मुद्दे से संबंधित है? कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और जल संसाधन प्रबंधन। किन देशों ने त्रिपक्षीय नौसैनिक मिसाइल रक्षा अभ्यास किया है? अमेरिका, दक्षिण कोरिया एवं जापान ने किया है। यह अभ्यास कहाँ किया गया है? दक्षिण कोरिया एवं जापान के अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में। ठीक है, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता वाले काला सागर अनाज समझौते को नवीकृत करने पर इनकार किया है? जुलाई में रूस ने। काला सागर अनाज सौदा कब समाप्त हुआ है? 17 जुलाई 2023 को समाप्त हुआ है। भारतीय नौसेना के किस युद्ध पोत का उपहार स्वरूप वियतनाम को सौंपा गया है? आईएनएस कृपण की भारतीय नौसेना में कब कमीशन किया गया था? वर्ष 1991 में। ठीक है, अमेरिकी नौसेना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन है? तो एडमिरल लिंसा फ्रेंचटी है। कौन है? एडमिरल लिसा फ्रेंचटी है। भारत ने किसके साथ नवीकरणीय ऊर्जा में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? श्रीलंका। एक अन्य समझौता ज्ञापन श्रीलंका के किस जिले की आर्थिक विकास परियोजनाओं के लिए हस्ताक्षरित किया गया है? त्रिकोमाली। ठीक है, किस देश ने ब्रिक्स समूह में शामिल होने पर ब्रिक्स बैंक शेयर धारक सदस्य बनने के लिए आवेदन किया? अल्जीरिया ने किया है। नावदन या इंटरडिक्शन 2023 संयुक्त समुद्री और हवाई अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? जापान सागर में किया गया है। ठीक है, फिर इस अभ्यास में किन देशों ने भाग लिया था? रूस और चीन ने लिया था। वीसी यशवंत घाड़गे सनडायल मेमोरियल का अनावरण कहाँ किया गया था? मोटोन पेरुगिरिया इटली में किया गया था। सनडायल धूप घड़ी के रूप में इस मेमोरियल को किनके सम्मान में स्थापित किया गया है? द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने वाले भारतीय सैनिकों के। इस स्मारक का आदर्श वाक्य क्या है? हम सभी एक ही सूर्य के नीचे रहते हैं। यह स्मारक मुख्यतः श्रद्धांजलि समर्पित करता है विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित नायक यशवंत घाड़गे को। द्वितीय विश्व युद्ध में नायक यशवंत घाड़गे किस टुकड़ी की तरफ से शामिल हुए थे? महाराष्ट्र लाइफ इन्फेंट्री। ठीक है, फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स बैठक कहाँ संपन्न हुई है? जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुई है। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने किया है। हाल ही में किस देश ने भारत के तेजस मार्क IA एवं हल्के प्रचंड हेलीकॉप्टर की खरीद हेतु समझौता किया ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? अर्जेंटीना ने किया है। मालाबार अभ्यास का 27वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? सिडनी ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। अभ्यास कितने चरणों में आयोजित किया गया है? 2 में। इन अभ्यास में किन देशों की नौसेनाओं ने भाग लिया था? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका ने। ठीक है, पहला चरण किस बंदरगाह चरण पे हुआ था? 11 से 15 अगस्त 2023 को। दूसरा चरण 16 से 21 अगस्त 2023 को। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व किसने किया है? INS कोलकाता, फ्रिगेट INS सह्याद्री और P8I समुद्री गश्ती विमान ने किया है। भारतीय तटरक्षकों के समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? फिलीपींस तटरक्षक पर। वर्ष 2024 में राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? समोआ करेगा। अगस्त 2023 में बर्नार्डो अरेवली किस देश के राष्ट्रपति बने? तो ये ग्वाटेमाला के बने हैं। बर्नार्डो ओवरवेलो किस पार्टी से संबंधित है? प्रेक्सिप मूवीमेंटो सेमिला पार्टी से संबंधित है। ग्वाटेमाला की राजधानी का क्या नाम है? ग्वाटेमाला सिटी। ग्वाटेमाला की मुद्रा का क्या नाम है? ग्वाटेमाला क्वेत जल। ठीक है, अगस्त 2023 में किस देश में हैरिकेन हेलरी नामक चक्रवात आया था? तो ये कैलिफोर्निया में आया था। किस में आया था? कैलिफोर्निया में आया था। ठीक है, किस वर्ष के बाद या दक्षिण कैलिफोर्निया में आया पहला चक्रवात? वर्ष 1939 में आया है। या किस तरह का चक्रवात है? ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। किस देश ने भारत के जन औषधि केंद्र मॉडल का अनुकरण करने की मांग की है? तो इंडोनेशिया ने की है। फिर थाविशिन को किस देश के प्रधानमंत्री ने चुना गया है? थाईलैंड ने चुना है। थाईलैंड की राजधानी का क्या नाम है? बैंकॉक। क्या है? बैंकॉक नाम है। थाईलैंड की मुद्रा का क्या नाम है? ये है थाई बहात। क्या है? थाई बहात है। भारत और बांग्लादेश के बीच 14वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह JGC की बैठक कहाँ आयोजित की गई? ये की गई नई दिल्ली में। ठीक है, भारत और आसियान देश किस वर्ष तक वस्तुओं के लिए अपने मुक्त व्यापार समझौते की समीक्षा
पूर्ण करने पर सहमत हुए हैं। वर्ष 2025 किस पे हुए, वर्ष 2025 में यूक्रेन में संघर्ष के बारे में गलत जानकारी देने के लिए रूसी अदालत ने गूगल पर कितने मिलियन रूबल का जुर्माना लगाया है, 3 मिलियन रूबल का। ठीक है, विश्व के किस देश ने वर्ष 2023 के अंत तक गोल्डन वीजा कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है, इंडोनेशिया ने की है। भारत के किस पड़ोसी देश ने यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू की, बांग्लादेश ने शुरू की है। अमेरिका ने किन देशों से यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान भेजने की मंजूरी दी है, डेनमार्क और नीदरलैंड्स ने दी है। कनाडा सरकार ने देश के किस क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा की है, ब्रिटिश कोलंबिया में, किसने की है, ब्रिटिश कोलंबिया में की है। यह आपातकाल की घोषणा की क्यों की गई, जंगल की आग फैलने के कारण की गई है। चीन ने किस देश के निकट नौसेना और वायुसेना अभ्यास शुरू किया है, किसके किसके मध्य हुआ ये, ताइवान। ठीक है, भारत ने किस देश की डोर्नियर 228 समुद्री निगरानी विमान सौंपा है, श्रीलंका को सौंपा है। ठीक है, किसे सौंपा है, श्रीलंका को सौंपा है। हाल ही में किस देश में चक्रवात लेन से भरी जान माल की हानि हुई है, जापान में हुई है। चक्रवात लेन किस तरह का चक्रवात है, उष्णकटिबंधीय है। जलवायु परिवर्तन और सूखे के कारण गंभीर खतरे का सामना कर रही टिटिकाका झील किस महाद्वीप में अवस्थित है, दक्षिण अमेरिका में, किसमें, दक्षिण अमेरिका में। यह दक्षिण अमेरिका में किन दो देशों के बीच सीमा पर अव्यवस्थित है, बोलोविया और पेरू, कहाँ, बोलोविया और पेरू में। डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल GIDH की शुरुआत किसके द्वारा की गई है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया। ठीक है, यह किसके द्वारा प्रतिबंधित नेटवर्क है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री द्वारा विश्व बैंक की कौन सी फ्लैगशिप रिपोर्ट जारी की गई है, डिजिटल इन हेल्थ अनलॉकिंग वैल्यू फॉर एवरीवन। ठीक है, फिर निकारागुआ में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, सुमित सेठ को किया गया है। बोलाविया ने भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया है, विश्वास विधु सबकला को, किसे, विश्वास विधु सबकाल को। बोलोविया की राजधानी क्या है, लापाज, क्या है, लापाज है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है, जोहान्सबर्ग में किया गया है। भारत की तरफ से इस सम्मेलन में किसने भाग लिया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया था। कनाडा के किस क्षेत्र में लगी भीषण आग के कारण आपातकाल घोषित किया गया, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। ठीक है, फिर है भारत ने किस देश को स्थानीय मुद्रा में कच्चे तेल के पहल भुगतान किया है, संयुक्त अरब अमीरात, किसकी किए है, संयुक्त अरब अमीरात की है। भारत की तरफ से यह भुगतान किसके द्वारा किया गया है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा किया गया है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा। ठीक है, यह भुगतान UAE की किस कंपनी को किया गया है, अबू धाबी नेशनल कंपनी को किया गया है। किस प्रसिद्ध मस्जिद में कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित एक अभिनव मार्गदर्शन रोबोट का अनावरण किया गया है, ग्रैंड मस्जिद मक्का, किसे, ग्रैंड मस्जिद मक्का को। भारतीय मूल के किस व्यक्ति ने सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त की है, थर्मन शनमुगरत्नम। ठीक है, दुनिया की सबसे दूसरी प्रदूषित राजधानी कौन है, जकार्ता और इंडोनेशिया है। यह आंकड़ा किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, IQAir के द्वारा। IQAir क्या है, वायु गुणवत्ता निगरानी फार्म। हवाई जंगल की आग को किस प्रकार की आपदा घोषित किया है, बड़ी आपदा। हवाई किस देश में स्थित है, USA में। किस भारतीय अमेरिकी महिला को FBI के फील्ड कार्यालय का विशेष एजेंट नियुक्त किया गया है, सोहिनी सिन्हा को। इन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका के किस प्रांत में नियुक्त किया गया है, यूटा सॉल्ट लेक सिटी में। ठीक है, इन्हें FBI में किस वर्ष शामिल किया गया था, वर्ष 2001 में शामिल किया गया था। किस देश के राष्ट्रपति भारत की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आए, तो ये मालदीव पे आए। मालदीव के राष्ट्रपति कौन है, इब्राहिम मोहम्मद सोलिह हैं। अमेरिका ने किन देशों के साथ पहला स्टैंड अलोन त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया है, जापान और दक्षिण कोरिया को। यह सम्मेलन कब आयोजित हुआ, 18 अगस्त 2023 को। यह सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है, कैप डेविड USA में। यूक्रेन शांति योजना सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है, ये 6 अगस्त 2023 को जेद्दा सऊदी अरब में। ठीक है, कहाँ हुआ है, जेद्दा सऊदी अरब में हुआ है। फिर है ये हमारा हाँ ठीक है, सम्मेलन की मेज़बानी किसके द्वारा की गई, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के द्वारा।
किस देश ने अपने मूल कुत्ते की नस्ल की रक्षा हेतु संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? भूटान ने। यह संरक्षण केंद्र कहाँ खोला गया है? यूए सिपांग थिम्पू में। यह संरक्षण केंद्र कुत्ते की किस नस्ल के संरक्षण हेतु था? चांगयाकी। किसके? चांगयाकी। हाल ही में भारत के दौरे पर आए एनरिक रेना किस देश के विदेश मंत्री है? किसके? होंडुरास। हाल ही में भारत के दौरे पर आए सर्जिया लोएजा किस देश के विकास योजना मंत्री हैं? तो ये है बोलोविया के। भारत और मालदोवा द्वारा किस क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया? कृषि क्षेत्र में सहयोग हेतु। किसमें? कृषि क्षेत्र में सहयोग हेतु। अमेरिका ने इसराइल को अपनी डेविडस स्लिंग एंटी मिसाइल रक्षा प्रणाली किस देश के बेचने की मंजूरी दी है? तो किसे दी है? ये फिनलैंड को दी है। भारत सरकार तवालू सरकार द्वारा शुरू की गई किस परियोजना के लिए धन सहायता उपलब्ध कराएगा? तो ये मोटोफोवा कंक्रीट वाटर सिस्टर्न। ठीक है, यह परियोजना संबंधित है स्वच्छ जल पहल एवं स्कूलों में सामुदायिक विकास के लिए। भारत द्वारा यह वित्तीय सहायता किस फंड द्वारा जारी की जाएगी? भारत संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि के द्वारा होगी। फिर है ताबूल के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो ये है कोसिया नतानो। कौन है? कोसिया नतानो। तबालू की राजधानी क्या है? फुनाफुटी है। क्या है? फुनाफुटी है। तबालू की मुद्रा क्या है? तबालुअन डॉलर। क्या है? तबालुअन डॉलर और ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। ठीक है। फिर हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने किस देश की यात्रा की है? ये भारतीय सेना प्रमुख जनरल है। ठीक है, तो ये की है यूनाइटेड किंगडम की। कौन सा भारतीय संस्थान वर्चुअल कार्यक्रम में इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क में शामिल हुआ है? केंद्रीय जांच ब्यूरो अकादमी। ठीक है, इस कार्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? इंटरपोल ग्लोबल कॉम्प्लेक्स फॉर इनोवेशन सिंगापुर द्वारा किया गया है। CBI अकादमी ग्लोबल अकादमी नेटवर्क में शामिल होने वाला कौन सा सदस्य है? 10वां है। अमेजन नदी बेसिन के कितने देशों के ने एकीकृत पर्यावरण नीतियों की सूची पर सहमति दी है? तो 8 पे दिए। इसमें कौन से देश शामिल हैं? बोलिविया, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर और गुआन, पेरू, सुरीनाम और वेनेजुएला हैं। ठीक है, इस मुद्दे पर 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ये किया गया है बेलेम, ब्राज़ील में किया गया। ठीक है, भारत एवं सऊदी अरब के मध्य रक्षा गठबंधन को बढ़ाने के लिए कहाँ एक पोर्ट काल बनाया गया है? तो ये जेद्दा सऊदी अरब में बनाया गया है। इस दौरान दोनों देशों के मध्य कौन सा युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया? पैसिज युद्ध अभ्यास। कौन सा? पैसिज युद्ध अभ्यास। इस अभ्यास में दोनों देशों की तरफ से किन युद्ध पोतों ने भाग लिया है? क्रमशः INS चेन्नई भारत और HMS अल जुबेल ने। जायद तलवार युद्ध अभ्यास किन देशों के मध्य आयोजित किया गया है? भारत और UAE के मध्य किया गया। यह अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? पोर्ट राशिद UAE में किया गया। भारत की तरफ से नौसेना के किन जहाज़ों ने इस युद्ध अभ्यास में भाग लिया है? INS विशाखापत्तनम। ठीक है, और INS त्रिकंद ने लिया है। पहले RICS साउथ एशिया अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? सुभाष रुनवाल को। RICS का पूरा नाम क्या है? रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड सर्वेयर। लोकतंत्र की अथक लड़ाई के लिए किसने स्वीडिश अधिकार पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है स्वेतलाना तिखानोवस्काया। कौन है? तो ये है बेलारूस की निर्वाचित विपक्षी नेता है। ठीक है, यह पुरस्कार किसकी स्मृति में प्रदान किया जाता है? अन्ना लिंड स्वीडन की पूर्व विदेश मंत्री के द्वारा। किस प्रसिद्ध परमाणु भौतिकी विज्ञान का 78 वर्ष की आयु में कोलकाता में निधन हो गया? तो विकास सिन्हा। ठीक है, इन्हें पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था? 2010 में। इन्हें पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था? 2001 में। पद्म भूषण 2010 में, पद्म श्री कब मिला? 2001 में। भारत और बहरीन से नौसेनाओं के बीच संबंधों को मजबूत करने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य कौन से जहाज बहरीन के दौरे पर हुआ था? INS विशाखापत्तनम और INS दीपक में। ठीक है, इन जहाज़ों ने बहरीन के किस बंदरगाह को दौरा किया था? पोर्ट मीना सलमान में हुआ था। किस देश ने यूक्रेन के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सुरक्षा सहायता पैकेज की घोषणा की है? तो USA ने। ठीक है, USA ने। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो अनावारुल हक कक्कर ने ली है 14 अगस्त को। किस देश के पूर्वी हिस्से में तूफान कानून के कारण
आपातकाल की घोषणा की गई, रूस में की गई है। तमिलनाडु की सरकार ने वनस्पति उद्यान स्थापित करने के लिए किस देश के साथ मऊ पर हस्ताक्षर किए? यूनाइटेड किंगडम के साथ किए हैं। नाइजर में तख्ता पलट की घोषणा के बाद किसने खुद को देश का नेता घोषित किया है? तो जनरल माने तियानी ने किया है। भारत ने किसके साथ 5 त्वरित प्रभाव परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? लाओस। ठीक है, ये 5 त्वरित प्रभाव परियोजनाएं किस क्षेत्र से संबंधित है? शिक्षा, स्वास्थ्य, जल सुविधा एवं IIT। ठीक है, किस स्थान पर भारत के पूर्व राजदूत और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित ग्यालसरास बकुलारिन पहुंचे की 2 कांस्य प्रतिमाएं लगाई गई है? मास्को रूस में लगाई गई है। ग्यालसरास बकुलारिन पहुंचे किस राज्य शासित प्रदेश के लिए प्रमुख नेता है? लद्दाख का है। किस देश ने प्रधानमंत्री हुन सेन ने इस्तीफा देने की घोषणा की थी? कंबोडिया ने की थी। किसने की थी? कंबोडिया ने की है। ठीक है, हुन सेन किस वर्ष से प्रधानमंत्री के पद पर है? वर्ष 1985 में है। भारत ने इंडिया स्टेक साझा करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? पापुआ न्यू गिनी के साथ। म्यांमार की राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा परिषद ने देश की आपातकाल को कितने माह के लिए बढ़ा दिया है? 6 माह के लिए। कितने माह के लिए? 6 माह के लिए बढ़ा दिया है। भारतीय नौसेना के 1 डोर्नियर समुद्री गश्ती विमान और IAFC-130 हरक्यूलिस परिवहन विमान ने ऑस्ट्रेलिया के किन द्वीपों को द्वारा किया है? काकोस द्वीप समूह के द्वारा। ठीक है, भारत और लेसोथो के बीच संयुक्त द्विपक्षीय आयोग की 5वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? मोसेरू में। ठीक है, इस बैठक में भारतीय पक्ष का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? पुनीत आर कुंडल संयुक्त सचिव के द्वारा। लोसेतो की राजधानी क्या है? मोसेरू है। लोसेतो की मुद्रा क्या है? लोसेतो लोटी है। क्या है? लोसेतो लोटी है। किस देश ने अमेरिकी के साथ सुरक्षा समझौते की मंजूरी प्रदान की है? पाकिस्तान। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। इसी के साथ हमारी आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे हमारा मोटिवेट बढ़ता रहा और हम आपके साथ लगातार जुड़े रहें। उससे पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बाकी सभी लाइक एंड शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे ग्रुप पर जुड़ हमारे चैनल पर जुड़ सकें। और इस हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई, जिसे आप ज्वाइन करके यहाँ पर अपनी बात या कोई भी समस्या हो उसे बता सकते हैं, नहीं तो PDF मिल सकती है आपको वहाँ पे सारी। थैंक यू क्लास वॉच करने के लिए।